देखा आपने किस तरह से एक अलग अनुभव यात्रियों को मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस तरह की ट्रेन की अब शुरुआत हो गई है, कोच बड़ा ही अनूठा है। रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू गर्ल्स स्कूल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने राज्य स्तरीय डीपीटी और टीडी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आंगनबाड़ी और स्कूल के 5, 10 और 16 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। बता दें आपको, स्वास्थ्य विभाग यह अभियान WHO, UND, यूनिसेफ और जफाइको की मदद से चला रहा है, जो कि 16 से 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को टीका लगाकर गंभीर बीमारियों से बचाना है। और आज 16 अगस्त से 31 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के जो हमारे लक्षित समूह के बच्चे हैं, लगभग 36 लाख बच्चों के लिए ये टीका हम लोग लगाएंगे बीमारी से बचाव के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि टीके से ना डरें, बीमारी से डरें, और ये टीका बीमारी से बचाव के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो बीमारियां 5 साल से नीचे उम्र में अक्सर होती थी, जिसको हम वैक्सीन से बचा सकते थे, उसका उम्र थोड़ा सा बढ़ रहा है। हमें खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश प्रथम 2 राज्यों में शामिल किया गया है जहां ये अभियान के रूप में लॉन्च किया जा रहा है, और आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। पूरे प्रदेश में हमने 36 लाख ऐसे बच्चों को चयनित किया है जो हितग्राही होंगे हमारे इस कार्यक्रम के, और इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था प्रदेश में कर ली है।